जो उसने फन मारा बच्चा की एकदम चीख निकली, थर थर बदन कांपने लगा, उठ के बैठ गया, जहर इतना विलक्षण था आंखों से अंधेरा छाया और फिर गिर पड़ा और प्राणांत हो गया। इधर पानी भर के रूप आया, पहले तो उसके मस्तिष्क में ये रहा कि भैया सो रहा है, हाथ पकड़ा, सारा बदन ठंडा, नाक से खून, एकदम से पानी तो फेंक दिया और चीख मार के अपने भैया पे गिर पड़ा, रोने लगा, भैया क्या हुआ तुम्हें? भैया दोस्तों, वो चीख जंगल में समा गई, मुंह पे मुंह रख लिया, भैया मेरे तो का भाओ भैया। बोल सुनाए दे अपने मिरन को, तीरन के बंधा दे मेरी अद पर में छोड़ दई भैया, भैया मेरे मिरना मेरे तो कहा भाओ भैया। अब कोई नहीं है धीर को धरैया, भैया मेरे मिलना मेरे तू कहाँ गओ भैया। मैया के जाए हाय मेरे कन्हैया, तू बोल सुना लाश पे विलाप करने लगा रूप, लेकिन तोता तो सोता कजा कजा सा, रूप समझ गया इसका प्राणांत हो चुका है, मेरा धर्म है कि भैया का अंतिम संस्कार करें। एक बार रूप फिर छाती से लग गया और कहने लगा, भैया मैं पहले आया था मां की गोद से, तो मुझे पहले जाना चाहिए, तू मेरे बाद आया था तो मेरे बाद जाता, लेकिन तूने अधफर में मुझे छोड़ दिया। और भक्तों, उसी वक्त अपने भैया का सर उस वृक्ष की जड़ से लगा दिया और कफन मांगने को चला, कोई पैसे दे दे तो कफन और कुछ सामग्री ऐसी इकट्ठी करके भैया का दाह संस्कार कर दूं। मांगने लगा, शहर पड़ोस में है, पग पग ठोकर खाई चलो न जाई, रूप रहो आबाद लगाई, हमें कोई पैसे दे दो, हमें कोई पैसे दे दो, हमें तो पैसे दे दो। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे, भैया की लाश पे कफन हम डाले, जोड़े हाथ तुम्हारे, पैसे दे दो हमें, दो पैसे दे दो हमें, दो पैसे दे दो। कोई तो बेटे धर के तुंधकारे,
माँ के सामने वो हाथ पसारे, दर दर ठोकर खाए, चला नहीं जाए के भैया दो पैसे दे दो, हमें दो पैसे दे दो। इधर तो रूपा बाल लगा रहा है, कोई तो गाली दे के चला जाता है, कोई रूप की तरफ देखता नहीं। और इधर एक महात्मा उधर जंगल से आ रहे थे, बसंत को जब देखा इस तरह लेटा हुआ तो महात्मा ने पहले सोचा कि कोई सो रहा है, पथिक होगा। पास में आकर के जब चेहरा को देखा तो समझ गया वो योगी कि इसे सर्प ने डसा है। योगियों में बड़ी गति होती है, बसंत की लहर पे हाथ फेरा, मानो उस हाथ में ऐसा जादू था सारा जहन निचुड़ गया हो। किसी रोम के अंदर क्या उसकी जीवात्मा मौजूद थी। जब साधु ने लला पे हाथ फिरायो और जिंदा भयो बसंत सामने आयो, महाराज संत के पाइन पे पड़ गयो है, भैया को नहीं लखो के लला को होश बिगड़ गयो है। दोस्तों बसंत जिंदा हो गया, रूप को नहीं देखा तो होश बिगड़ गया, कहने लगा मेरा भैया कहाँ है। महात्मा जी कहने लगे बेटा कतई मत घबराओ, मैं समय समय पर तुम्हारी यूं ही मदद करता रहूंगा। देखो भूकौन आ रहा है। और जो बसंत ने पीछे मुड़ के देखा, अरे हुई अंतर ध्यान संत से भैया गली में रहो आवाज लगाई। इधर रूप जिस शहर को नाम है आवाज लगा रहा था, उस शहर का राजा खत्म हो गया था, रानी और सारे मंत्रियों की यह सलाह थी कि कल जो दरवाजे पर मिल जाए उसी को राजा बना दिया जाए। और ये उसी दरवाजे पर जाके लग गया। सिपाही ने इसे पकड़ लिया, रूप कहने लगा क्यों तंग करो मुझे, जानो भैया हमें क्यों परेशान कर रहे, हम बैठे विपत्ति मारे हुए हैं। जवाब दिया, ओ नौजवान मत घबराओ और दिल में बिल्कुल न सकुचाओ, ये अनाथ नगरी है बेटा यहाँ के तुम राजा बन जाओ। मंत्रियों ने सूरत जब देखी मन में अरे नरपत जान लिया और अपने हाथों से बेटा के माथे पर मुकुट प्रदान किया। आज मंत्रियों ने अपने हाथों से बेटा को मुकुट प्रदान किया और उस शहर का नाम राजा बन गया रूप। फिर उस शहर का नाम क्या रखा, रूपनगर। ये रूपनगर हो गया क्योंकि रूप राजा बन गया।
इधर बसंत जंगल में भटक रहा है, भैया चाचा की आवाज दे रहा है। उसी जंगल में बड़ा विलक्षण था, उसने कई लोगों का वध कर दिया। सारे दरबार में पहुंच गए जनता के लोग और कहने लगे, महाराज एक बहुत भयंकर शेर है और वो शेर कई लोगों की जानें ले चुका है, बड़ा आदमखोर है। रूप ने अपने जनानिया मंत्री से कहा कि सुनो, तुम जाओ और शेर को मार के आओ। जनानिया मंत्री ने क्या बोला, मैं जंगल में जाती था और शेर मार के आती था। रूप से जनानिया मंत्री बोला, मैं जंगल में जाती था और शेर मार के आती था, पर इनाम क्या मिले, पर इनाम क्या मिले, तुमको कैसे समझाती था। जनानिया मंत्री कहने लगा कि मैं जंगल में जाती था और शेर मार के आती था, लेकिन इनाम क्या मुझको मिलेगी। रूप कहने लगा 500 रुपए। ठीक है, जनानिया मंत्री चला, देखिए किस्मत का खेल। इधर बसंत भटकता भटकता उसी आदमखोर शेर जिस झाड़ी में छुपा था उसी के पास में एक वृक्ष है, उसके नीचे आराम करने लगा। जनानिया मंत्री पहुंचा, जो शेर की शक्ल देखी उसके जनानिया मंत्री तलवार मारने गया तो तलवार तो छूट गई, पेशाब निकल गया। शेर ने दहाड़ दहाड़ दई, मन लला ने हिम्मत हारी है, पर टांग पकड़ के बेटा ने धरती पर दियो पसारी है। बसंत ने तकिया बना के शेर को शेराने रखा, सो गया। जनाना मंत्री झाड़ी में से निकला, वो कहने लगा 500 रुपया इनाम हमको मिलना था, लेकिन शेर इसने मार दिया। एकदम आकर के तलवार की नोक से बच्चे को दबाया, बसंत उठ के बैठ गया। क्या बात है, जवाब दिया, ये शेर की बना तकिया सोया, ये पालतू शेर है राजा का, और शर्म नहीं तुझको आई जो मारा शेर का राजा। We'll be right back.
होश हुआ, उस मंत्री ने नदी में फेंक दिया और वह शेर को खींच करके वहां से ले चला, दरबार में जाके डाल दिया और कहा कि महाराज हमें पुरस्कार दीजिए, मैं शेर को मार आया। मंत्री को पुरस्कार मिल गए 500 रुपए। इतिहास से जा रही बेटा की पूरब की तरफ जब बहाई है, धोबी धोबिन कपड़ा धो रहे जब परो तो लला दिखाई है। इधर तो बेहोश बच्चा बहता हुआ जा रहा है, धोबी धोबिन कपड़ा धो रहे तो उनकी निगाह जब बच्चे पर पड़ी, धोबिन कहने लगी महाराज कपड़ा धोना बंद करके देखो, ये बालक कभी कभी तो हाथ पैर से चलाता नजर आता है और कभी कभी मुर्दा नजर आता है। धोबी कहने लगा तो तुझे क्या लेना देना, अरे तू अपना काम कर। धोबिन कहने लगी हो सकता हमारे तुम्हारे सारे किसी को जीवन दान मिल जाए। और क्या बोली धोबिन, यह तो मैं भी जानती हूं, क्या मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, जिस वक्त मौत आ जाएगी वो घड़ी निकलने पाएगी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एकदम से धोबी आगे बढ़ा, और बच्चा को खींच के पार पिलाया तो उस बच्चे को होश आ गया। धोबी धोबिन उस बच्चे को ले गए। जब बसंत को लेकर के धोबी धोबिन घर पहुंचे हैं तो रूपनगर का वो जनानिया मंत्री इसे किसी तरह सुराग लग गया तो वो बच्चा बच गया जिसने शेर का वध किया है, और अगर उसने कहीं भेद खोल दिया कि शेर मैंने मारा तो इनाम मैं ले चुका हूं, हमारी जिंदगी खतरे में है। इत चीन मुल्क से सौदागर चलो भाई, और जहाज में भारी हुई गई बंद मशीन लाग सोच से करी जहाज नहीं चुम्बक खाए रोए, बाने लाग सोच से करी जहाज नहीं चुम्बक खाए रोए। इधर एक सौदागर चीन मुल्क से चला, जहाज में बहुत माल है, क्योंकि ये सौदागर देश से परदेश में माल का आदान प्रदान करता था।
जहाँ चलते हुए चला और यह उसी रूपनगर के घाट पे आकर इसकी मशीन बंद हो गई। सौदागर ने बहुत कोशिश की लेकिन जहाज जुम्मे से नहीं खा रहा। इधर जनानिया मंत्री पहरा दे रहा था। जहाज के पास आया और कहने लगा, बात क्या है? सौदागर कहने लगा, जहाज हमारा बंद हो गया। जनानिया मंत्री कहने लगा, कोई तरकीब है? सौदागर कहने लगा, बिल्कुल मशीन सही, वो समझ में नहीं आ रहा। जनानिया मंत्री कहने लगा, हमारे यहां जो भी जहाज बंद होते हैं वो बल चाहते हैं, तुम्हारा जहाज भी बल चाहता, अगर इस पर किसी बच्चे की बल चढ़ा दी जाए तो ये जहाज चालू हो जाएगा। सौदागर कहने लगा, सरकार मेरा तो परदेश है, कौन बच्चा ऐसा हम तैयार करें जो कि यहाँ बल चढ़ाए। जनानिया मंत्री कहने लगा, हम तुझे बता दें कि यहाँ धोबी धोबन जो है उनके एक नौजवान लड़का है, वैसे उसका आता पता कुछ नहीं है, अचानक उनके यहाँ पहुंच गया। सौदागर कहने लगा, सरकार हमारे कहने से वो बच्चा नहीं आ सकता। जनानिया मंत्री कहने लगा, मैं चलता हूं। सौदागर और जनानिया मंत्री दोनों धोबी धोबन के यहां पहुंचे। बालक अंदर लेटा हुआ है, धोबी निकला और नमस्कार करने के बाद पूछा कि सरकार कैसा आपने कष्ट किया है, आप राजा के मंत्री हैं, हमारे लिए राजा ही हैं। जनानिया मंत्री बोला, ये परदेसी सौदागर ही अन पे आयो, जग कपड़ा गंदे हुए, जग कपड़ा गंदे हुए, हमें ताजुलायो, जग कपड़ा गंदे हुए, महाराज बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, अपने बेटे सौदागर के साथ भेज अपने बेटा को सौदागर के। हम कई बिछोना अन्य वस्त्र भी गंदे हैं, इसलिए तुम अपने लड़के को भेज दो, वो कपड़े ले आए और साफ करके सौदागर को दे दे, जो पैसा होंगे दे दिए जाएंगे। धोबी बड़ा असमंजस में पड़ गया, सोचने लगा ये बच्चा कपड़े धो नहीं पाएगा, लेकिन ठीक है भेज देते हैं, कपड़े ले आएगा धो के पहुंचा देंगे। कहने लगा बसंत से, बेटा चले जाओ, चले जाइयो जहाज पर ले आओ कपड़े, चले जाइयो जहाज पर ले आओ कपड़ा, ले आओ कपड़ा, ले आओ कपड़ा, ले आओ कपड़ा, नए राजा को मंत्री परे लफड़ा, चले जइयो जहाज पे, ले आओ कपड़ा, चले जइयो जहाज पे। बेटा बसंत ने मंत्री पहचानो, वो मंत्री पर निगाह गई, बसंत पहचान गया, यही है जिसने घुमा के देगा मेरे मारा था, लेकिन नहीं बोला। बेटा बसंत मंत्री पहचानो, सकल देख के बको बदन थर्रानो, और सौदागर भी है बड़ा तगड़ा, चले जइयो जहाज पे, उठालो कपड़ा, चले जइयो जहाज पे।
चले जाओ। लड़का ने पहचान लिया ये वही है जिसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था, लेकिन राजा का मंत्री है, खाम खाम लफड़ा पड़ जाए। चलो, बसंत चल देता है। जहाज के अंदर गया, सौदागर ने छुरी निकाली और कहा कि कपड़ों के बहाने से यहां लाया हूं, जहाज नहीं चल रहा है, ये बल चाहता है। बसंत कहने लगा मन ही मन में कि अब मेरी मौत है। कहने लगे महाराज, मेरी जान लेने के बाद तुम्हारा जहाज चलेगा अगर मैं यूं ही चला दूं। कैसे? छुरी हमें लगा। छुरी लेकर उसने अपनी उंगलियां काट के दो रक्त डाला, जहाज चल। बसंत कहने लगा हमें इजाजत। सौदागर कहने लगा चुप बैठ, जहाज हमारा बंद हो गया तो फिर कैसे तलाशेंगे हम। बसंत मजबूर हो गया, बैठ गया। इत धक धक चलो जहाज रे के मन चल गई भारी, एक शहर में पहुंचो आए रे, एक शहर में पहुंचो आए रे, सौदागर बनो चला। एक शहर में पहुंचा, उस शहर में जब सूर्य अस्त हो गए जहाज को रोक दिया, लेकिन उस शहर में एक और कमाल था। दरवाजे दरवाजे पर बंधन बार, घर घर में मंगल चार। तो सौदागर ने पूछा कि ये बधाइयां सी कैसी पड़ रही हैं। एक औरत कहने लगी सुनो सितलाई, राजा ने लड़की को स्वयंवर दियो रचाई, महाराज कन्या स्वयंवर हो गए गो, और बड़े की लड़की लड़के को तब ब्याह भी हो गए गो। तुम सौदागर मुझ जानो, और स्वयंवर देखन जाए सोच के मन में दीवानो, सवेरो हुई लो मेरे भाई, और ये स्वयंवर में भीड़ एकदम धर के उमड़ाई। रोक दिया, एक औरत को पूछा कि गांव में बड़ा हर्षोल्लास नजर आ रहा है। औरत कहने लगी यहां के राजा की लड़की का स्वयंवर है, स्वयंवर, स्वयंवर का मतलब है लड़की स्वयंवर को बरती है। सौदागर कहने लगा तू ये हम भी देखें कैसा स्वयंवर है। सुबह हुआ, पहुंच गया सारे राजकुमार बैठे हैं, लड़की माला लिए खड़ी है सहेलियों के बीच में, मंत्री लड़की के आगे खड़ा है। इधर सौदागर और बसंत दोनों पहुंच गए, वो छुप के बैठ गए, लेकिन बसंत रूप में बहुत आगे था। लड़की चारों तरफ भूखी हिरणी की तरह देख रही है कि कौन है हमारे योग। बसंत की जो सूरत देखी, जब बसंत ने अपने मुखड़े को लड़की की तरफ है उजकाया, तो लड़की ने दिल में जानी बादल से चांद निकलवाया। तब राजकुमारी ने समझी बादल से चांद निकलवाया, छरेरा बदन सुंदर सूरत
की रह गई भुलानी सी, तक तक बांध के देख रही मानो वो सौदागर व लड़की बनो कौआ अरे हुई सगाई। आकर लड़की बैठ गई तो सब दूध दिया और अगरा मेला लाज चला दो। कब्बे दोनों पीछे बैठे एक दूसरे को देखें, कभी बातें मीठी मीठी करें। धीरे धीरे दोनों में इतना प्रेम प्रभाव बढ़ो और बसंत ने गोरी के हाय गाले में बढ़िया डाली। अब ये तो बढ़िया नसारे मिलेवाने प्यारी महाराज का चेहरा देख रहो कर गौर और रूप देख के मोई दुहिया धरा प्यारा छोर तू तो दिलई दिल में कहे सजनिया सुंदर मिल गई बेटा दिलई दिल में कहे के जोड़ी अब तो दोनों बड़ी बातें होने लगी। एकदम से उस लड़की ने अपने प्रिया के होठों पे उंगली रख के पूछा एक बात बताओगे क्या? छोड़ मत जइयो कौआ केली करके प्रिया छोड़ मत जइयो अकेली करके मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी हाय मर के पिया छोड़ मत जइयो अकेली करके मोई प्यार मत जइयो। बसंत कहने लगा गोरी कोई अपनी को छोड़ता नहीं है लेकिन वक्त आदमी को आदमी से जुदा करता है। अगर हम जुदा भी हो जाएं, तो एक तरकीब तुम्हें समझाऊं किस्मत से गोरियत जुदा हुई जाऊं हम कैसे मिलेंगे तरकीब तो ये बताऊं। तुम रूप और बसंत की बसंत की कहानी सुनियो जब अलग हुई जाए मत सिर को धुनियो जब अलग हुई जाए। बसंत कहने लगा अगर जुदाई हो भी जाए क्योंकि हर मानव जीवन के संगम में आशा और निराशा है मिलकर के जुदा होना ये जीवन की परिभाषा है। अरे कभी अलग भी हो सकते हैं लेकिन मैं तुम्हें एक तरकीब बता दूं अगर मैं तुमसे जुदा हो जाऊं तो तुम किसी पर रूप और बसंत की कहानी सुनना। कहानी सुनाने वाला क्या तो मेरा भाई होगा या मेरा चाचा ठीक है
दोस्तों इधर सौदागर की नियत में खोट आ चुकी है। अंधेरी रात में जहाज चला रहा था, परमात्मा की ऐसी प्रेरणा कि बुद्धि बदल गई, जहाज किधर भी जा रहा था किधर मुड़ गया। बसंत सो गया, वो लड़की भी सो गई। अरे सौदागर ने पकड़ के बसंत को जब है गिरते गिरते जल में बेटा के कटियो हो चमिनारो। महाराज लला भट में फंस गयो है और एक हाथ में झपट के जहाज को लंगन कस लो है। जहाज रूपनगर के घाट पे आके लग गया, अंधेरे में उसने जान ही नहीं पाया। अब उसे पता लगा कि मैं तो वहीं आ गया जहां से गया था। इधर जहाज घाट पर लगा है तो बसंत धोबी धोबन के यहां चुप निकल के चला गया। इधर सौदागर सोचने लगा वो तो मर ही गया, और भक्तो ये पहुंच गया उस लड़की के पास, वो कहने लगा कैसी बैठी हो, तुम्हारा पति तो जिंदगी खो चुका है, अब तुम्हारी जिंदगी का मैं अधिकारी हूं। अरे मुए हट के गले लगा ले, अरे मुए हट के गले से लगा ले, रानी मुए गले को हार ले बना ले। जो इतने वचन सुने उस औरत के छक्के छूट गए, सोचने लगी इज्जत का भूखा भेड़िया इज्जत को बिना लूटे नहीं मानेगा, तो कहने लगी हाथ जोड़ के मेरी एक बात आप सुनेंगे, मैं तो तुम्हारी हूँ लेकिन शर्त एक है। सौदागर कहने लगा तू कहे तो आसमान से तारी ले आऊं, कौन सी शर्त है बता। तो कहने लगी मेरी सुन लो मीठी बात रे तुम्हें तो समझ आ, मैं एक शर्त पे तुमको अपने कंठ से लगाऊं। अगर हमें गले से लगाना है, एक कहानी मुझे सुना दीजिए रूप और बसंत। सौदागर कहने लगा रूप और बसंत की कहानी, वैसे रूप बसंत की ना सुनो और कहानियां सुनो तो मैं हजारों सुना दूं। कहने लगी नहीं रूप और बसंत की कहानी सुनो। सौदागर कहने लगा तो ठीक है मैं इस नगर में जाकर देखता हूं शायद कोई सुनाने वाला हो।
और फौरन ही ये सौदागर महाराज के रूप के दरबार में पहुंचा और कहने लगा, महाराज की जय हो। रूप कहने लगा, कहिए कैसी तशरीफ लाए हो। कहने लगे, महाराज मैं सौदागर हूं, देश विदेश में माल पहुंचाता हूं, वहां से लाता हूं अपने देश के लिए। एक बात अटक गई है, स्त्री की हट बड़ भूल होती है। कैसी हट? हमारी औरत रूप और वसंत का किस्सा सुनना चाहती है। जो इतने वचन सुने, सुन के इतने बैन हो सुभाए गाड़े, रूप के उठदम भाए ते रोंगटे नारे, महाराज मन में रूप विचारो सौदागर बैठा रो, मीठी वाणी कहते रूप ने यार सौदागर बैठा रो, सौदागर वसंत की कहानी का नाम सुना, रूप के रोंगटे खड़े हो गए। समझ गया कुछ दाल में काला है। मीठी बाणी बोल करके सौदागर को बिठा लिया कि तुम चिंता न करो, अगर तुम्हारी औरत रूप और वसंत का किस्सा सुनना चाहती है तो मैं सारे शहर में मुनादी करवाऊंगा और 1100 अशर्फियां उसे दूंगा जो रूप और वसंत का किस्सा सुना दे। सुनो सुनो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, करदादानों, मेहरबानों, जो रूप और पसंद का किस्सा सुनाएगा उसे महाराज 1100 अशर्फियां देंगे। आपको आता है भैया? और जब उसने ये मुनादी सुनी है गली में तो सोचने लगा कि शायद यहां को दिल को सुकून मिल जाए। जब यह मुनादी चारों तरफ हो रही थी तो धोबी के कान में यह आवाज पहुंची, तो धोबी घर पहुंचा, बसंत बैठा है। धोबी से कहने लगा कि यार राजा ने बड़ी विलक्षण मुनादी पटवाई है। कैसी? कोई रूप बसंत को किसान को सुनावे, 1100 अशर्फियां वो इनाम में पावे, मेरी नारे हमें नहीं है अब बिल्कुल ज्ञान, न हमें को मिलती इनाम जो किसान कर देते हम ज्ञान, धोबी कहने लगा गोरी अगर मैं इस किस्सा को जानता होता तो मैं स्वयं सुना देता, 1100 अशर्फियां मुझे मिल जाती, समय अच्छा गुजरता। बसंत कहने लगा पिताजी ये मुनादी हो रही कि रूप और बसंत का जो किस्सा सुनाई। हाँ बेटा। तो कान में कहने लगा मैं बताऊं, तुम जाकर के राजा से चुप मिलो और ये कह दो कि हमारा बेटा जो है वो रूप और बसंत का किस्सा सुनाएगा, लेकिन शर्त एक है कि पर्दा के अंदर सुनाएगा।
प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा। ठीक है, धोबी वहां से चला आओ। रूप के यहां पहुंचा और कहने लगा, सरकार मुनादी बहुत देर से पिट रही लेकिन कोई संदेशा आया? कहने लगे, भी तो कोई संदेशा नहीं आया, रूप और वसंत का किस्सा सुनाने वाला कोई विद्वान नजर नहीं आ रहा। कहने लगे, सरकार समस्या को मैं हल कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि हमारे घर से आप अपने दरबार तक पर्दा कर दें तो हमारा लड़का है वो किस्सा सुनाएगा, लेकिन पर्दे के अंदर, पर्दे से बाहर नहीं। रूप कहने लगा, ठीक है, अगर ये बात है तो मैं पर्दा कर दूंगा। एकदम से आदेश दे दिया, जब धोबी के घर से और मेरे दरबार तक चारों तरफ इतना मजबूत और मोटा कपड़ा लगा दिया जाए, आने जाने वाला दिखाई न दे। दोस्तों वहां तो हुक्म की देर थी, सारा काम हो गया। इधर सौदागर से कहा, तुम अपनी औरत को लाओ। औरत आ गई, धीर सिंह भी उसी समाज में बैठे हुए हैं। इधर बसंत चला है पर्दे के अंदर से। पास में दरबार के पहुंचा, धोबी पर्दा के साथ साथ था। एकदम कहने लगा, सरकार आ चुका है तो सुनाने वाला। रूप बोला उधर से, सुनाओ किस्सा रूप और वसंत का। अंदर से आवाज आई, सुनी सरकार। एक धारा नगरी से जहां के थे इंद्र सेन तपधारी रे, करी दिगाई बेटी
रे चाचा ने कऊ बिन से दो ढोटन को लाओ तो बचाई रे देश छोड़ के चले ते चाचा घर में पहुंचिए जाई रे जेठ को महीना लुआ चलत बेटन को रही प्यास सताई रे पानी भरन को कहे चाचा तनु शेरु गौरे का आई रे दोनों लला जब भाग दिए चाचा ने भाई जुदाई रे साधु ने तो बसंत बहाय जंगल में दियो तो आई रे भैया रूप को पता नहीं और बसंत रो भटकाई रे एक वृक्ष के नीचे आए गो तो शेर गो तो एक आई रे बनाई रे मरो समझ के बारे बेटा को नदी में दो तो बहाई रे धोबी धोबिन ने बा बेटा को बामे से लो तो कढ़ाई रे आगे बढ़ाता हुआ दरारा और जनानिया मंत्री के पैरों के नीचे धरती खिसकने लगी पर्दा के अंदर चकचकी लगाने लगा कहने लगो बसंत जहाज पे तब मोदियो तो भिजाई रे बल के कारण चले के उंगली काट दियो रक्त बहाई रे को जहाज चलो एक शहर में पहुंची और जाई रे लचो सुअमर हुन पे बसंत की हुई गई थी वहीं पे सगाई रे रात में लेके चलो सौदागिर नियत में खोट गो आई रे सोबत में तो हाय बसंत को समुद्र में फेंक दो जाई रे लंगर पकड़ लो जहाज को पार पे लगो है कुमार तब आई रे इतनी कथा रे होन नहीं पाई गो धीर सिंह फहराई रे इतनी कथा नहीं हो पाई दोस्तों एकदम से धीर सिंह खड़ा हो गया और वहीं से ठीक ए बेटा बसंत बसंत ने पर्दा में से निगाह घुमाई पर्दा फाड़ दई चाचा ने आवाज जब भरी सभा में लगाई सूरत देख बसंत की धीर सिंह गौ को हैद का खाई रे बेटा बेटा कह के रे चाचा भतीजे पे गिरो फहराई रे भैया चचा को देख के रूप की अखियन में जलगौ आई रे जो धीर सिंह और बसंत को मिलते हुए देखा रूप गद्दी पर बैठा था एकदम सिंह पड़ा भैया दोस्तों अब फटी की फटी रह गई आगे बढ़ के मिलन लगो और रूप की निघारे चुराई रे तीनों जब मिल गए के सौदा गिर तो गौ घबराई रे इधर जनानी
का पुरस्कार दिया, 500 रुपए ले चुका था, लेकिन जो जनानिया मंत्री की तरफ रूप ने देखा, बसंत कहने लगा, भैया यही है वो पापी जो हत्यारा बना मेरा जबकि शेर मैंने मारा, और दोबारा भी हमें मरवाने की इसने पूरी कोशिश की, दोबारा नहीं तिबारा भी बल चढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भैया भगवान की कृपा में बच गया। रूप को खोलियो खून जनानिया मंत्री के लिए मुस्क चढ़ाई रे, सौदा गिर भी लो बांध कुमार ने आगे दी कथा तो सुनाई रे, देख बसंत वो रूप बगोरी। दोस्तों जो वहां कहानी सुन रही थी बसंत की पत्नी, देख पिया को रूप दुल्हनिया सैया कह के डकराई रे, आगे बढ़ के बसंत के आए पाइन बगिरी भैराई रे, देख सखी को रूप बसंत के नैनन में जल गो आई रे, पाइन से को उठाई दुल्हनिया बन छाती से लईती लगाई रे, दोस्तों तीनों मिले चारों मिल गए, एकदम हुक्म दे दिया ये कमीन सौदागर और ये जनानिया मंत्री इनको तड़फा तड़फा के मारा जाए। एकदम से सौदागर और मंत्री को फांसी को हुक्म सुनाए, पलकी ना करी अबेर रे फांसी को तख्ता बनवायो, जनानिया मंत्री को फांसी पे लटकाया, जो डर के झटका मारा, महाराज भीतवा की ऊपर बढ़ गई है और आंखें रह गई फटी जी बाहर को करी है, महाराज महाराज के फिर फांसी पापी को दीनी, और सौदागर ने स्वर्ग लोग की सफर दी थी, इधर के रथ राजा ने पठवाओ है और धोबी धोबिन को घर से महलन में बुलवाओ है, मिल गए इस तरह से छैया ने मिल गए इस तरह से छैया, और लेने को हर नाम नहाए गए गंगे मैया, चाचा और भाई और अनुज बधू और धोबी धोबिन को बोला परिवार में रहने लगे, इस तरह से मुसीबत और किस्मत के मारे हुए मिले हैं। राठौर के सिद्ध के माध्यम से कथा याद रचवाई, संकट की घड़ी थी भैया सो मेरे कथा तो याद सुनाई, पे नारद जी अब तो ताल लगाते हैं और घुंघरू पे अब प्रेमचंद जो सिद्ध कहलाते हैं, मंजीरा लल्लन बजा रहे मंजीरा लल्लन बजा रहे, और राम शरण राठौर गढ़ा पे ताल मिला ही रहे, कमाल है टाइम को नारों से कमाल है टाइम को नारों, और विलास सिंह करते और कैसे प्यारी सुनो मित्र के घर।